गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही धनाढ़ सेठ रहता था। उसकी बहुत ही अच्छी लंबी चौड़ी बिजनेस थी। एक दिन उसका एक कर्मचारी अपने सेठ से कहा कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, क्या आप मुझे छुट्टी देंगे? इस पर सेठ ने बड़ा ही खुशी मन से कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यह 100 रुपये की नोट लो और वहां उस दान पात्र में डालकर आना। बेचारा कर्मचारी आराम से खुशी मन से निकला। रास्ते में जाते समय उसे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग मिले जो कोई फूक से, कोई दवा के लिए या फिर कोई किसी अन्य कारणों से काफी परेशान था। इस बेचारे के पास पैसे की तंगी थी। वह सोच रहा था, मैं इन्हें किस तरह से मदद करूं। फिर उसने सोचा, क्यों ना यह सेठ का जो पैसा है इसका उपयोग मैं इस पे करता हूँ। उसने उस 100 रुपये से 98 रुपये उन लोगों के खाने पीने और दवा में खर्च कर दिया और वहाँ जाने के बाद मंदिर में 2 रुपया डाल दिया। उसके बाद वह सोचा, मैं जाकर सेठ को ये सारी बातें बता दूँगा। वह लौटा, ठीक उसी रात सेठ को भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने कहा, तुम्हारे 98 रुपीज जो तुमने अपने कर्मचारी को मुझे देने के लिए दिया था वह मुझे प्राप्त हो गया। सेठ बड़ा ही खुश हुआ और उसे एक बात की यह भी चिंता हुई, आखिर उसने 98 क्यों दान किया, 2 रुपया कहाँ रह गया। तब कल जब वह कर्मचारी उसके पास आया तो सेठ ने अपनी सारी कहानी बताई, जो इस तरह भगवान रात में आए थे सपने में और उन्होंने कहा कि मुझे 98 रुपया जो तुमने दान पात्र में डाला था वह मिल चुका, लेकिन 2 रुपया नहीं मिला, इसकी क्या कहानी है। इस पर वह कर्मचारी रोने लगा और बतलाया, वास्तव में मैंने दान पात्र में मात्र 2 ही रुपये रखे थे और 98 रुपीज तो मैंने जाते समय जो गरीब लोग मिले मैं उन्हें दान में दे दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, वास्तव में दान पात्र में या किसी अन्य चीज में देने से भगवान खुश नहीं होते, खुश तब होते हैं जब आप उनके द्वारा बनाए हुए व्यक्ति जीव जंतु की सहायता करते हैं। यह केवल आडंबर है मंदिरों में या कहीं भी दान पात्र में डालना। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप उन लोगों की सहायता करें जो वास्तव में इसके लिए जरूरतमंद है, अन्यथा मर्जी आपकी। जय हिंद।